तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किसान और मेरे हाथ में देख सकते हो E88 अपग्रेड वर्जन 2 ड्रोन है। वैसे आज की इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, ड्रोन को उड़ाने के सिखाने वाला हूँ। मतलब आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे को कि मैंने ड्रोन खरीद लिया है लेकिन मेरे को उड़ाने नहीं आ रहा है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ड्रोन जरूर से उड़ाना आएगा। मतलब एकदम बच्चा से शुरुआत से बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ड्रोन को किस तरह से उड़ाया जाता है, तो मैं इसी ड्रोन पे बताने वाला हूँ। वैसे आप किसी भी ड्रोन को उड़ा सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। मेरा दावा है कि अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हो, पूरा देखते हो, तो आई एम श्योर कि आप ड्रोन को उड़ा सकते हो, ठीक है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, और इस ड्रोन पे मैं उड़ाने वाला हूँ। वैसे इस ड्रोन का गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो गिव अवे का वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पर देख सकते हो और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जीतने के लिए। तो अगर आप वहां पे पार्टिसिपेट कर लेते हो तो इस ड्रोन को आप जीत सकते हो, ठीक है। तो चलो फटाफट से, बकवास तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, मैंने वीडियो को शुरू में ही बोला था आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जो ड्रोन का डब्बा है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। सिंपली आप मतलब आपको क्या करना है, डब्बा को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर चैन है, तो चैन को मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद सिंपली आपको देखने को मिलेगा आपका ड्रोन। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ पर चार्जिंग केबल भी मिलेगा, तो आपको सिंपली चार्जिंग केबल चार्ज करने के लिए आपको इस तरह से इसमें लगा देना है, और लगाने के बाद सिंपली आप मतलब अपने चार्जर में लगा दोगे तो चार्ज होने लगेगा बैटरी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल वाली चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई भी मतलब कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं ड्रोन पे। और गाइस, ड्रोन को अनफोल्ड करने के लिए सबसे आपको पहले ये बड़ा वाला यहाँ पर देख सकते हो, ये बड़ा वाला है, इसको पहले आपको निकालना है। मतलब इस तरह से आपको सिंपली अनफोल्ड करना है। उसके बाद आपको नीचे वाला ये जो है इस तरह से इस दोनों को मतलब अनफोल्ड कर देना है। बेसिकली अनफोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह से आपको ड्रोन देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पर देख सकते हो खाली जगह है और ये रहा बैटरी। तो बैटरी का ये जो है ना सिरा, इसको नीचे की तरफ रखना है कुछ इस तरह से आपको, ठीक है। और इसको आपको अच्छे से दबा देना है, जब आवाज आएगा टिक तो समझ लेना कि बैटरी प्रॉपर तरीके से लग गया है। अब ड्रोन जो है मेरा रेडी हो चुका है उड़ने के लिए बिल्कुल। आप चाहो तो कैमरा को एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिंपली इसको दबाए रखना है, दबाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो लाइट जो है जलने लगा है और यहाँ पर जो है ब्लिंक कर रहा है अभी, यानी कि ये पेयरिंग मोड में जा चुका है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ सिंपली, और अब आते हैं सीधे इस पे, ठीक है। तो ये रहा अपना रिमोट, और रिमोट में आपको सिंपली क्या करना, बैटरी डाल लेना है। तो वैसे मैं बैटरी डाल लिया हूँ, बैटरी डालने तो आपको वैसे ही आता होगा। यहाँ पर देख सकते हो ये रहा अपना 3 बैटरी, मैंने डबल ए साइज का डाला हुआ है, और इस ढक्कन को सिंपली आपको बंद कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो बंद हो चुका है, ये रिमोट रेडी है बिल्कुल फ्लाई करने के लिए। और आप ड्रोन फ्लाई करने, तो मैं पहले मैं बता देता हूँ एक चीज़, अगर आप बिगिनर हो तो आप इस प्रॉपलर गार्ड को जरूर से लगाना। कैसे लगाना है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इस चीज़ को इसके अंदर डालना है सिंपल, और इस तरह से दबा करके, सभी में प्रॉपलर गार्ड अलग अलग आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अलग सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दबा देना है, और देख सकते हो जो प्रॉपलर गार्ड है वो प्रॉपर तरीके से लग चुका है। तो गाइस, मैंने एक लगा लिया प्रॉपलर गार्ड, दूसरा लगाना सिंपल बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ईजी। आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो हो जाएगा, सीख जाओगे। बिल्कुल आपको ऐसे दबा देना है, और दबाने के बाद सिंपली आपको इधर से एक बार दबा देना, देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो प्रॉपलर गार्ड लग चुका है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो चारों जो प्रॉपलर गार्ड है प्रॉपर तरीके से लग चुका है। फर्स्ट टाइम आप लगाओगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन सेकंड टाइम जब आप लगाओगे तो आपको मतलब पूरा अच्छे से पता रहेगा किस तरह से लगाना है। तो देख सकते हो ड्रोन जो है रेडी हो चुका है। मैं ड्रोन को ऑन करना आपको बता दिया हूँ, दबाए रखना है तो ड्रोन ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हो ऑन हो चुका है। अभी मैं ड्रोन को यहाँ पर रख देता हूँ और इस रिमोट को ऑन करता हूँ। रिमोट को ऑन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर इस तरह से करना है, तो आपको आवाज आएगा टिक, तो समझ जाना कि ड्रोन जो है ऑन हो चुका है। इसको ऊपर करना है और नीचे करना है, तो आपका ड्रोन जो है कनेक्टेड हो जाएगा। देख सकते हो ड्रोन जो है कनेक्टेड हो चुका है। अब लाइट जो है स्टेबल जल रहा है, और जैसे ही इस लीवर को ऊपर करूंगा ड्रोन मेरा फ्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर 1 की इसमें टेकऑफ भी है। तो अगर इस बटन को दबाऊंगा मैं तो मेरा ड्रोन जो है 1 की टेकऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कुछ हाइट पे चला जाएगा। तो चलो गाइस, अब मैं ड्रोन आपको उड़ा करके दिखाता हूँ किस तरह से उड़ाना है। तो इस लीवर को हल्का सा ऊपर करना है, तो देख सकते हो सिर्फ नाच रहा है इसका पंखी, सिर्फ नाच रहा है, उड़ेगा नहीं। और जैसे इसको मैं ऊपर उड़ाऊंगा तो ये उड़ने लगेगा, देख सकते हो। तो गाइस, इतना पे आ चुका, ठीक है। और जैसे इसको ऊपर करोगे ये ड्रोन ऊपर जाते जाएगा, ठीक है। और इस ड्रोन को सीधा करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। मैं चलो आपको दिखाता हूँ इधर से अच्छे से, एक बार जरा इधर आओ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। ड्रोन ये रहा मेरा, अभी देखो ड्रोन जो है मतलब इसको वापस लैंड करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो गाइस देखो, अभी ड्रोन लैंड हो चुका है। सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, 1 की टेकऑफ कर देना आपको सिंपल। इस बटन को भी यूज कर सकते हो, 1 की टेकऑफ भी कर सकते हो। तो मैं 1 की टेकऑफ यहाँ पे उपयोग कर रहा हूँ। देख सकते हो ड्रोन जो है इतना मतलब हाइट पे आ जाएगा 1 की टेकऑफ करने के बाद। अब इस लीवर को आप इधर करोगे तो आपका ड्रोन जो है इधर जाएगा, इधर जाएगा। इस लीवर को, इस लीवर से आगे पीछे इधर और इधर, मतलब चारों डायरेक्शन में मतलब इस बटन से मूव कर सकते हो। जैसे कि और मैं देखो, जैसे आगे कर रहा हूँ तो आगे जा रहा है, इधर मैं कर रहा हूँ तो ये ड्रोन मेरा इधर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप मूव कर सकते हो। अब इस लीवर से क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इस लीवर को मैं इधर करता हूँ तो आप इसको मतलब घुमा सकते हो, नचा सकते हो। जैसे कि मैं आगे कर देता हूँ अभी थोड़ा सा, देखो ड्रोन आगे हो चुका है। अब इस लीवर को मैं इधर घुमाता हूँ तो यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरह से आप ड्रोन को घुमा सकते हो। इधर मैं किया, अब इधर करूंगा तो सिंपली इस तरह से आप
ड्रोन को मूव कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं लीवर को आगे करता हूँ तो देखो मेरा ड्रोन जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर आगे करूंगा तो, और जैसे इस लीवर को मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये नीचे ड्रोन आएगा। तो कुछ इस तरह से आप ड्रोन को मतलब पहले समझो किस तरह से उड़ाना है इसको, तब उसके बाद आप फ्लाई करना। यहाँ पे हवा भी चल रहा है। ठीक है, तो मैं पहले ड्रोन को अपने पास से बुला रहा हूँ, पास बुलाने के लिए इस बटन का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ड्रोन जो है मेरे पास फिलहाल आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से ड्रोन को पास में ला सकते हो, थोड़ा सीधा करना है तो इस तरह सीधा भी कर सकते हो। तो आपको आई होप कि कुछ कुछ मतलब चीजें समझ में आ गया होगा। ड्रोन को नीचे करना है तो इस बटन का उपयोग कर सकते हो तो नीचे आ जाएगा, और पास में बुलाना है फिर से इस बटन का उपयोग कर सकते हो पास में आने के लिए। फिर से ऊपर करना है तो यहाँ पर ऊपर वाला बटन दबा सकते हो तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर लड़ने से बचाना है आपको। देखो आप लोग एक बार में ही नहीं सीख जाओगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काफी मेनी मोर टाइम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप इस ड्रोन को उड़ा पाओगे। ठीक है, मैं लैंड कराता हूँ पहले, सबसे पहले। तो गाइस लैंड कराने के लिए सिंपली इस बटन को नीचे दबाए रखना है, आपका ड्रोन जो है लैंड हो जाएगा। मैं वापस से एक बार टेक ऑफ करके दिखाता हूँ इस बटन से, टेक ऑफ अभी मतलब इस बटन से उड़ा करके दिखाता हूँ। देखो उड़ रहा है, मतलब एक बार ऊपर किया तो सिर्फ नाचेगा, और जैसे इसको ऊपर करूंगा यहाँ पर देख सकते हो उड़ रहा है। अब लैंड कराने के लिए सिंपली आपको नीचे की तरफ दबाए रखना है, देख सकते हो ड्रोन जो है लैंड हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप ड्रोन को उड़ा सकते हो। अब इसमें और भी मोर फीचर हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वन की टेकअप मैं करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो ड्रोन जो है वन की टेकअप हो गया, मैं अपने पास बुला ले रहा हूँ। और देखो इसमें है स्पीड मोड, यानी कि इसमें क्या कर सकते हो आप, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि ये दो नंबर पर जा चुका है, अब ये तीन नंबर पर जा चुका है, तो मतलब ड्रोन को आप ज्यादा तेजी से आगे भेज सकते हो, ज्यादा तेजी से पीछे भी भेज सकते हो। जैसे कि तीन नंबर मैंने डाला है, अब ड्रोन को मैं आगे भगाने की कोशिश करूंगा तो बहुत ज्यादा तेज मेरा ड्रोन आगे जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे दबाया, देखो मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल स्पीड में जाएगा ये ऊपर नीचे और इधर उधर, कितना भी मतलब बेसिकली इस ड्रोन को मतलब तेज में मूव करवा सकते हो तीन नंबर डालने पे। और एक नंबर पे वही मैं करूंगा तो देखो ड्रोन एकदम आराम आराम से आ रहा है पीछे। इसको दो नंबर पे डालूंगा तो थोड़ा सा तेज जाएगा ये, और तीन नंबर पे डालूंगा तो और ज्यादा तेज जाएगा। तो इस तरह से आप मतलब ड्रोन को बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइस मैं वापस ड्रोन को फ्लाई करता हूँ। इसमें बहुत सारे बटन दिया है, बहुत सारे बटन के बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, मैं वापस एक ड्रोन को फ्लाई करता हूँ। तो देख सकते हो फ्लाई हो चुका है, इसको कंट्रोल करना वैसे आपने सीख लिया होगा। देखो इससे आप क्या कर सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, ठीक है, और वीडियो भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है आपको 360 डिग्री फ्लिप, इससे क्या कर सकते हो 360 डिग्री फ्लिप वगैरह ले सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ जरा, यहाँ पर देख सकते हो इतना ड्रोन अभी हाइट पे आ चुका है। ठीक है, अब इस बटन को आपको दबाना है, देखो 360 डिग्री लिखा हुआ है, इसको दबाना है और सिंपली आपको इस तरह से करना है। तो आप देख सकते हो ड्रोन जो है फ्लिप हो चुका है, वैसे आपको दिखाई नहीं दिया होगा, मैं पास में ला करके आपको दिखाता हूँ एक बार और से। इस बटन को दबाया, देखो टिक टिक आवाज कर रहा है, और इस तरह से दबाना है तो ड्रोन जो है फ्लिप हो जाएगा आपको। ठीक है, मैं आपस एक बार करके दिखाता हूँ, और इसको आप चारों डायरेक्शन में भी कर सकते हो। जैसे कि इस दबाया बटन, और यहाँ पर देखो पीछे की तरफ फ्लिप किया, अब इसको मैं आगे की तरफ करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ आगे की तरफ, यानी कि चारों डायरेक्शन में आपको 360 डिग्री फ्लिप मिलता है ना। इतना तो आप 360 डिग्री फ्लिप का आप यूज कर सकते हो इस बटन से। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर लाइट, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो अभी मेरे ड्रोन में लाइट जल रहा है। ठीक है, इस बटन को दबाऊंगा मैं तो लाइट जो है ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर मतलब इस तरह से आप लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो इस बटन से। तो गाइस ये बटन आपने जान लिया क्या चीज़ है, ये वन की टेकअप है आपको मैंने बता दिया, ये जो है इमरजेंसी स्टॉप है, मैं आपको दिखाता हूँ इमरजेंसी स्टॉप क्या होता है। तो सर ड्रोन को मैं नीचे कर लेना हाइट पे, उड़ रहा है मेरा ड्रोन। ठीक है, अब इस बटन को मैं दबाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, देखो दबाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको दबाए रखना है। देखो ड्रोन ऑटोमेटिकली मतलब फटाक से कहीं भी उड़ रहा होगा आसमान में, इस बटन को दबाए रखोगे आप ड्रोन एकदम से मतलब बंद हो जाएगा, ऊपर से गिरेगा आराम से नीचे। तो ये बटन काफी मतलब खतरनाक चीज है, इसको आप सेफ रखना। और ये जो बटन है इसको मैं आप कंट्रोल करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको देखो यहाँ पे ड्रोन मैंने उड़ाया, अब देखो ड्रोन जो स्टेबल है, अगर आपका ड्रोन हवा इधर की तरफ चल रहा है तो इस बटन को आप दबाओगे तो ड्रोन जो है आपका इधर से भागने लगेगा, मतलब बेसिकली स्टेबल करने का ये बटन है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस बटन को दबाता हूँ तो देखो यहाँ पे देखो अब इस बटन को दबाया, देखो ड्रोन मेरा अपने आप भागने लगेगा, लेकिन जब हवा चलता है इधर के साइड में तो आपका क्या होता है ड्रोन जो है स्टेबल हो सकता था। इस बटन को दबा रहा हूँ मैं तो देखो देखो मतलब ड्रोन जो है अभी ये इधर के साइड में भाग रहा है। तो आप इस चीज को मतलब कंट्रोल कर सकते हो, इस चीज को आगे या पीछे कर सकते हो। जैसे कि मैं आगे कर रहा हूँ, इसको मैं इधर घुमा देता हूँ, इसको मैं पीछे करता हूँ, देखो अभी ड्रोन जो है पीछे की तरफ आने लगेगा। तो इस बटन से आप कंट्रोल कर सकते हो ये सारे चीजें। ठीक है, और ये सारे के सारे मैंने बता दिया। ठीक है, ये आगे वाला है तो सिंपली इस चीज से आगे आप कर सकते हो। देखो मैं आगे कर रहा हूँ तो ड्रोन जो है आगे की तरफ जाने लगेगा। तो इस चीज से ये सारे चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, बाकी सारे इसमें बस इतने ही बटन है। ठीक है, तो मैं इतने बार के बारे में पूरा बता दिया हूँ। ठीक है, वैसे 360 डिग्री फ्लिप भी है। चलो मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ, कैमरा आपको कैसे कनेक्ट करना है। लेकिन आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि रिमोट जब बंद हो जाएगा तब क्या होगा। तो मैं रिमोट को बंद कर देता हूँ, मेरा गाइस रिमोट बंद हो चुका है। देखो ऑटोमेटिकली जब रिमोट आपका बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ड्रोन जो है लैंड हो जाएगा। तो ये चीजें इसके अंदर है। तो चलिए गाइस अब बताता हूँ आपको कैमरा कैसे कनेक्ट करना है। तो सिंपली आपने ड्रोन तो ऑन कर लिया, वैसे ड्रोन आपको ऑन करना आता होगा, इसको दबाना है और ड्रोन जो है ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ड्रोन ऑन हो चुका है। वैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया कि ड्रोन का कैमरा जो है कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो सिंपली आपको नोटिफिकेशन खींचना है और वाईफाई जो है कनेक्ट कर लेना है। तो सिंपली मोर पे मैं गया और यहाँ पर जो वाईफाई है इसका नाम आ जाएगा अभी।
तो यहाँ पर थोड़ी देर में सर्चिंग मेरा हो रहा है और सर्च होने के बाद जस्ट नाम आएगा। आई होप कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मेरे किसी भी वीडियो का आप जाकर के देख सकते हो, उस वीडियो में आपको जरूर से मिल जाएगा कैसे आपको कैमरा कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एप्लीकेशन, मतलब इसका वाईफाई आ चुका है, मैंने कनेक्ट कर लिया और सिंपली आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना पड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ जरा। तो गाइस जब आप ड्रोन खरीदते हो तो आपको एक ऐसा यूजर मैनुअल जरूर से मिलेगा और इस यूजर मैनुअल में आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसको आपको सिंपली क्या करना है, स्कैन करना है। उससे पहले आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्टेड जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे मोबाइल में इंटरनेट कनेक्टेड है, सिंपली आपको क्या करना है, आपके गूगल होगा तो उसको स्कैन कर लेना है, आपके मोबाइल में स्कैनर दिया होगा और नहीं है तो प्ले स्टोर से स्कैनर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो इसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो लिंक आ रहा है, लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे सिंपली आपके सामने आ जाएगा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो वैसे मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको पेज आएगा, एंड्रॉइड गूगल लिखा है, बस इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने प्ले स्टोर खुल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हो ये एप्लीकेशन आ चुका है। आपके ड्रोन में अलग अलग एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है, तो आपको सिंपली उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो मेरा डाउनलोड है फिलहाल, ओपन का ऑप्शन आ रहा था तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करने से पहले आपका जो है इंटरनेट को बंद कर देना है और वाईफाई जो है कनेक्ट कर लेना है ये वाला, ठीक है। तो मेरा वाईफाई जो है कनेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर देख सकते हो वाईफाई जो है कनेक्टेड हो चुका है। अब सिंपली आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन जब ओपन करोगे तो यहाँ पर लैंडस्केप में ओपन होगा और सिंपली आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब जब आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे सामने जो है कैमरा चालू हो चुका है, देखो इस तरह से कुछ। तो आप इस तरह से कैमरा को यूज कर सकते हो। इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है तो आपका रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे टाइमिंग भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब समझ लो कि आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, अब सब कुछ ओके है, आप सिंपली ड्रोन को फ्लाई करो अपने रिमोट से। तो गाइस आई होप कि मैंने सारी चीजें आपका क्लियर कर दिया होगा, ड्रोन कैसे उड़ाना है, कैसे कैमरा कनेक्ट करना है, 360 डिग्री फ्लिप क्या होता है, बटन कितने सारे हैं, सारे बटन का क्या क्या यूज है, जितने भी चीजें थे ना मैं सारे के सारे क्लियर कर दिया हूँ। कोई भी अब चीजें छूट गया हो, कोई सवाल हो, सुझाव हो, इस वीडियो के कमेंट जाकर के पूछ सकते हो आप लोग मुझे, मैं जरूर से रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आप लिखा दिखाई दे रहा होगा मेरा आईडी। और मैं एक चीज भूल गया, तो इसके अंदर आपको ये मतलब दिया जाता है, ठीक है, मोबाइल होल्डर। तो यहाँ पे अपना मोबाइल को फिक्स कर सकते हो। कैसे मोबाइल फिक्स करना मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको मोबाइल ले लेना है इस तरह से और इसको आप सिंपली खींच सकते हो और इस तरह से आपका जो मोबाइल है वो फिक्स हो जाएगा, आपका मोबाइल गिरेगा नहीं, यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन डर रहता है यार, मैं अभी इसलिए हाथ नहीं चला गया ताकि मोबाइल गिरे तो हाथ में ही ना आएगा। तो देखो इस तरह से मैं आप बेसिकली सिंपली मतलब यूज कर सकते हो। और चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी सवाल सुझाव हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाना और कमेंट में बता सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मतलब दूसरे लोग को पता चले कि ड्रोन कैसे उड़ाना है और ड्रोन वो लोग खरीद सके। काफी मतलब सस्ता में मिल जाता है ड्रोन अभी तो। रुको जरा, सबर करो। अभी ड्रोन हम लोग उड़ा रहे थे और हम लोग इस ड्रोन के बारे में इस बच्चों से पूछेंगे कि क्या बतला रहे हैं। बाबू आप ड्रोन उड़ रहा था अभी, देखा है कैसा उड़ रहा था ड्रोन? नहीं मैं उड़ रहा है। अच्छा उड़ रहा था ना, बहुत अच्छा। आप बताइए, स्मूथ उड़ रहा था ना, बढ़िया से एकदम? हाँ। अच्छा लगा ना आपको? इन लोगों को बहुत अच्छा लगा है ड्रोन।